फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। आज मैं आया हूँ हुमायूं टॉम्ब के मकबरे पे। मैं आज आपको हुमायूं टॉम्ब के बारे में सारा कुछ बताऊंगा और चलते हैं मैं आपको हुमायूं टॉम्ब के बारे में कुछ दिखाने के लिए। पहले आपको जानना होगा कि अगर चीज़ें इसके अंदर कितने क्रेप हैं तो आपको मैं चलते वहाँ पर अंदर में दिखाऊंगा। वैसे तो इसके अंदर 155 कपड़े हैं, जो आपको रियलिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर जो आपको डुप्लीकेट डमी है, जो ओरिजिनल मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल है, वो मैं आपको चलते वहाँ पर दिखाऊंगा। तो हम चलते हैं कि मैं आगे आपको सारी जितनी भी हिस्ट्री है वो बताऊंगा। ये मेन टॉम्ब है जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ पे, और इसके 65 रूम है। आप कभी भी आइए, चेक करके आप गिन सकते हैं इसके कितने रूम्स हैं। हर रूम में किसी में एक किसी में दो कमरे हैं। तो टोटल एक्चुअली हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में, इसकी डेथ हुआ था 1556 में। ये 48 साल तक जिंदा रहे। बट ये बिल्डिंग बनाया 1565 to 1772, ये 7 साल लगा इसे बनाने में। तो ये बनाने का काम इनकी वाइफ ने किया था, हमीदा बानो बेगम ने, क्योंकि हुमायूं की डेथ तो पहले हो जाती है, उसके बाद ये बिल्डिंग बनती है। तो बेसिकली ये बिल्डिंग हुमायूं की वाइफ ने अपने पति की याद में बनवाया था, जो आज के डेट में ये कब्रों, जिसे कब्र बोलते हैं, कब्रों का ये एक तरह से कब्रिस्तान बोला जाता है। तो इसके अंदर 155 कब्रें हैं। तो मैं आपको चल के जो कब्रें तो ओरिजिनल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जो चीज़ें रियल है मैं वो चल के नहीं दिखा पाऊंगा, बट डुप्लीकेट जो डम्मी है वो मैं चल के आपको ऊपर से दिखाऊंगा। तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से रियल क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर है, और मेन मेन जो इम्पोर्टेंट पीपल मैं भी वो भी बताऊंगा किसका किसका ये ग्रेव है। तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखिए टॉप एक्चुअली गोल्डन कलर का जो दिख रहा है वो न्यू है। ये आप इसको ओरिजिनल मत समझिए, क्योंकि ये इसको टूटे हुए 8 साल हो गए, और ये जो टॉप है ये ओरिजिनल नहीं है, ये रीस्टोर हो गया है। और बाकी आप जितने भी देख रहे हैं ये सेम लाइक जैसे ताजमहल है वैसे है, सेम वही डिजाइन है। बस फर्क इतना है ये व्हाइट मार्बल इसमें यूज हुआ है और रेड स्टोन यूज हुआ है, और ताजमहल ओनली व्हाइट मार्बल। तो हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर, फिर हम आपसे बात करते हैं और दिखाते हैं फिर आगे का ग्रेव। सो फ्रेंड्स, इस साइड से लोग पब्लिक आती है, यहाँ से जो आप देख रहे हैं क्राउड, ये यहाँ से इसका एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, अच्छा ये स्टेप्स जो है बहुत हार्ड है, इसमें 4 स्टेप्स है सिलाई के। ये जीना हो गया, और इसके बाद और 3 हैं, इसको लेकर 4 हैं टोटल। सो ये बहुत हाई लेवल है चढ़ने के लिए, बहुत हाई लाइक इसमें हार्ड चढ़ने में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगता है, और बाकी जो 3 है वो नॉर्मल है। सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ये देखिए टॉप का, और ये इस साइड का है। ये कब्र है, जो फर्स्ट कब्र आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये दारा शिको का नाम आपने सुना होगा, और इसकी फैमिली, ये जो व्हाइट ग्रेव है ये सारे इनकी फैमिली का है। ये सामने से पब्लिक आ रही होगी जिसको मेन गेट बोलते हैं, और ये देखिए इस साइड का नजारा। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अंदर रूम में, और बाकी जो ग्रेव होंगे वो मैं आपको बताता हूँ किसका किसका है। सो फ्रेंड्स, इस साइड में ये साउथ गेट है, गेट भी आपको सेम दिख रहा है। ये पीछे के साइड में अलग अलग टॉम है, एक बार्बर का टॉम, एक नीला गुंबज। ये इसका मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंट्री करते हैं, और इससे पहले आप ये जाली देख सकते हो, यहाँ पे जो रियल बॉडी है वो इसके अंदर दफनाई गई है। हेलो सर, ये स्टेप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये नॉर्मल है, बिकॉज आपका जो मैं अभी जहाँ चढ़े हैं जीने से वो बहुत हाई लेवल का, बट ये नॉर्मल, बिकॉज ये वेस्ट साइड में एक्चुअली हार्ड रखा गया है, क्योंकि आप जब भी उतरेंगे वेस्ट साइड में आपका सर झुक जाना चाहिए, क्योंकि मक्का का डायरेक्शन है वेस्ट साइड में। सो ये सर एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर का। आई थिंक आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स ये देखे
सारे ओरिजिनल है, बट रीस्टोर समथिंग जो टूटा हुआ है वो रीस्टोर किया गया है, अदरवाइज सारे। ये देखिए, ये है हुमायूं का ग्रेव, बट ये डुप्लीकेट है, ये सामने जो दिख रहा है आपको रियलिटी 20 फीट डाउन है। ये ब्लैक मार्बल उस टाइम पे ईरान का यूज हुआ था, अभी क्या है सारे इंडिया से राजस्थान से यूज हो रहा है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर देखिए, ये डिजाइन देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये जो मेरी उंगली है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी देखिए ये जो आर्चे हैं सामने जो दिख रही है आर्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये लैंप के लिए। अभी क्या है कि इसमें लैंप वगैरह यूज नहीं होता, लाइक जैसे कैंडल यूज करते हैं पहले लैंप के लिए। ये ऊपर डबल डोम बोलते हैं इसको, ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर एक फ्लोर और है, इसको डबल डोम बोलते हैं हम। और ये इनकी इस साइड में इनकी दो वाइफ हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी दो वाइफ हैं, हाजी बेगम एंड हमीदा वानो बेगम, हाजी बेगम एंड हमीदा वानो बेगम। ये बिल्डिंग बनाने का काम इन्होंने किया था, इनका नाम हमीदा वानो बेगम है, इनके लड़के ही अकबर थे जो आगरा में फतेहपुर सिकरी में उनका ग्रेव है, वहाँ पे उनका माल है। तो आप ये इनका यहाँ पे देख सकते हैं डिजाइन अलग अलग। फिर हम अगले रूम में तीन कब्रें यहाँ पे भी है जो तीन मेल है। सो ये हुमायूं का है, और इस साइड में एक्चुअली ये डायरेक्शन, इसको मक्का का डायरेक्शन बोलते हैं एक्चुअली, जो मक्का है वेस्ट साइड में, जस्ट लाइक ये बॉडी इनका साउथ और नॉर्थ में, इनका फेस वेस्ट साइड में। ये एक आप जो देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन का एक प्रतीक होता है जो वेस्ट साइड में होता है, तो इनका ये मतलब होता है कि आप इनका जो फेस रखा हुआ है वो वेस्ट साइड में है। हम नेक्स्ट रूम में देखते हैं, यहाँ पे भी दो कब्रें हैं। ये हुमायूं की तीन डॉटर हैं, ये नेक्स्ट रूम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हुमायूं की तीन डॉटर। सो फ्रेंड्स, टोटल इसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे डमी रखी हुई है ये सिर्फ 11 ग्रेव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल हैं, हुमायूं की फैमिली है और औरंगजेब की फैमिली है। और इस साइड में थोड़ा आप देख सकते हैं, ये रेड स्टोन पे व्हाइट मार्बल का डिजाइन है, और आगे चल के व्हाइट मार्बल पे रेड स्टोन पे जाए थोड़ा डिफरेंट है। और ये रीस्टोर नहीं हुआ है, जो ये सामने गेट दिख रहा है ये ओरिजिनल है। सो फ्रेंड्स, एक ही एंट्री और एग्जिट गेट यहाँ पे, उसके बाद आप बाहर फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकल सकते हैं। और आज के ब्लॉग में मेरा इतना ही, आपको अगले ब्लॉग में मैं कुछ और अलग दिखाऊं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कहीं मैं और जगह का आपको दिखाऊंगा, कुछ और किसी के बारे में बताऊंगा। ये आज का टोम हुमायूं टोम के बारे में था, ये जितनी डिटेल मैंने दिया है ये हुमायूं का मकबरा है जो इनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम ने बनवाया है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्डिंगें हैं। सो थैंक यू सो मच, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो और काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।